हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी बिज़नेस को कर सकते हैं और किसी भी बिज़नेस को करके आप करोड़ों में उस बिज़नेस को लेके जा सकते हैं। इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर बिज़नेस, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जितनी भी मैंने बिज़नेस आइडियाज़ की वीडियोज़ बनाई हैं अभी तक, उन बिज़नेसेस को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे उनमें मेहनत कर सकते हैं, कैसे आपको क्या करना होगा जिससे कि आप उस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़, बिज़नेस में आज की डेट में जो बड़े बड़े बिज़नेस हैं, आप एक ट्रेंड को देखिए कि जो बड़े बड़े बिज़नेस हैं क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को इतना नहीं पता चलता ये टेक्नोलॉजी वगैरह का, सिंपल तो पता ही होगा ना यार कि व्हाट्सएप को अपने बिजनेस में जोड़िए, क्योंकि व्हाट्सएप आज की डेट में बच्चा बच्चा व्हाट्सएप है। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 8-8 साल के, उन्होंने फ़ोन पकड़े हुए और वो भी व्हाट्सएप पे हैं। तो आप चाहें तो अपने बिज़नेस में व्हाट्सएप को जोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप को जोड़ने के बाद आपके बिज़नेस की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप एक बार करके तो देखिए। दूसरी चीज़, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए मेहनत लगती है। अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी है कि बिज़नेस करना जॉब से आसान है, तो नहीं है बिज़नेस करना भाई जॉब से आसान, बिज़नेस करना जॉब से मुश्किल है। क्योंकि बिज़नेस करने के लिए आपको संडे सैटरडे जो भी है, वीकेंड आपका ऑफ नहीं होता, वीकेंड में भी आपको काम करना पड़ता है, छुट्टी आपको किसी भी दिन नहीं होती, आपको रोज़ काम करना पड़ता है, रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, तो ही आप बिज़नेस में आगे बढ़ पाते हो। बिज़नेस में मेहनत लगती है और कई कई लोगों को रात को 12-12 बजे तक भी काम करना पड़ता है, और संडे भी, कोई संडे नहीं होता, कोई सैटरडे नहीं होता, पर आप खुद के बॉस खुद होते हैं। किसी दिन अगर आपको छुट्टी चाहिए आप छुट्टी ले सकते हैं, पर तब आप छुट्टी लेते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये आपका अपना बिज़नेस है। तो बिज़नेस में मेहनत लगती है, टाइम भी देना पड़ता है, जॉब से ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप किसी भी बिज़नेसमैन को पूछेंगे, चाहे वो शॉप ही करते हैं नॉर्मल सी, उनसे भी पूछेगा कितनी मेहनत देनी पड़ती है। तीसरी चीज़, अगर आप लोग जाएंगे कोई किसी की वीडियो देखते हैं, मेरी नहीं छोड़िए, किसी की भी देख रहे हैं, उसने आपको बता दिया कि इतने इतने आप पैसे कमा सकते हैं, और आप आज शुरू करते हैं बिज़नेस पैसे पूसे लगा के, जितना भी उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह, और आप कल उस बंदे से सवाल पूछते हैं कि मैं इतना पैसा नहीं कमा पाया ये वो, यार पैसे कमाने में भी टाइम लगता है। उसने आपको बताया, एक इमेज बताई कि 2 साल बाद 3 साल बाद आप कितने कमा सकते हो, पर आज की डेट में उतना कमाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने शुरू किया है, अभी शुरू किया है, 1-2 साल आप मेहनत करेंगे रेगुलर तो ही आप कर पाएंगे। क्योंकि आप कहीं अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, कुछ रिजेक्शंस मिलेंगे, कुछ लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ रिजेक्ट करेंगे, आस्ता आस्ता लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे, जब आपका मार्केट में नाम बनेगा। अब कहीं भी चले जाइए, चाहे आप इंटरनेट पर चले जाइए, कहीं भी जाइए, लोग आपके साथ आस्ता आस्ता ही जुड़ते हैं, एकदम से नहीं जुड़ते। वो किसी किसी लोगों के साथ होता है, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, चाहे आप उनको उनकी किस्मत कह दो, चाहे उनकी लोकेशन कुछ ऐसी होगी कि उनका बिजनेस डालते ही सेट हो गया, वो कुछ कुछ लोगों को होता है। अगर आपने किसी का रिव्यू देख लिया होगा यूट्यूब पे, किसी का इंटरव्यू वीडियो देख लिया होगा, इसने कल शुरू किया, 2 महीने बाद इतना कमाना शुरू कर दिया, उसके वजह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये नहीं होता कि आप उस बिज़नेस को शुरू करेंगे तो 2 महीने में आपको उतना प्रॉफिट नहीं होना हुआ, शुरू हुआ तो मतलब आप फ्लॉप हो गए, नहीं यार ऐसा नहीं होता कि आप फ्लॉप हो गए, आप भी कर सकते हो उस बिज़नेस को। ये हो सकता है कि उसको 2 महीने लगे, आपको 4 महीने साल लग सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि अगर आप करते रहेंगे आप फेल हो जाएंगे। जो चीज़ हम करते रहते हैं ना, वो कभी फेल नहीं होता है, आप इस चीज़ को हमेशा देख लीजिएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है लाइफ में कि हमें ये जॉब चाहिए, वो नहीं तो कोई और उनको जॉब मिल जाती है, पर जॉब तो उनको मिलती है ना, आज आके, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, किसी ना किसी दिन उनको जॉब मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही होता कि उनको जॉब चाहिए। अगर आप सोच ही ये लोगे कि मुझे बिज़नेस करना है, तो ये वाला नहीं वो वाला नहीं, कोई ना कोई बिज़नेस तो आपका सेट हो ही जाएगा, क्योंकि सेटबैक तो इसमें भी आएगा, नुकसान तो आपको भी होगा, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है ना, ट्रेनिंग के बीच में आपको भी आस्ता आस्ता पता लगेगा कि कैसे चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अगर आप ट्रेन ही नहीं होंगे, क्योंकि सक्सेस के लिए आदमी को ट्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है, और बिज़नेस में यार मेहनत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।